जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी है 18 अक्टूबर के बारे में। दोस्तों, 18 अक्टूबर को बृहस्पति ग्रह जो है वो मार्ग स्थिति में है और वो जो है मकर राशि में जाएंगे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। वहीं वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति को ज्ञान और कृपा का ग्रह माना जाता है। साथ ही बृहस्पति को गुरु के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ शिक्षक होता है। ठीक इसी नाम की तरह बृहस्पति किसी भी जातक के जीवन में शिक्षक या गुरु का कारक होता है। किसी महिला की कुंडली में यह पति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा किसी जातक के अंदर धर्म के प्रति झुकाव और आस्था का कारक भी बृहस्पति को ही माना जाता है। इसे सुख और समृद्धि के ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। बृहस्पति लगभग एक वर्ष तक किसी राशि में स्थित रहता है। बृहस्पति अपनी संरचना, लंबी गोचर अवधि और जातकों के जीवन पर अपने प्रभाव की वजह से वैदिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में देखा जाता है। बृहस्पति का गोचर किसी जातक के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है, जबकि शनि और बृहस्पति का गोचर जातक के जीवन में विवाह और संतान की परिस्थितियों का निर्माण करता है। साथ ही बृहस्पति का प्रभाव किसी जातक के जीवन में सुख और समृद्धि को लेकर आता है। जब किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में होता है तो वो जातक को जो है नैतिकता, संतुष्टि, आशावाद और बुद्धि प्रदान करता है। लेकिन यदि किसी जातक के जीवन में या जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर स्थिति में हो तो ऐसे जातकों के अपने शिक्षकों के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते, उनके अंदर अहंकार और अपरिपक्वता पैदा होती है। साथ ही यह आपके सुखी जीवन को भी प्रभावित करता है। वक्री बृहस्पति आमतौर पर अनिश्चित परिणाम प्रदान करता है, हालांकि इस दौरान इसके प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। बृहस्पति के प्रभाव में कोई भी जातक करियर के दृष्टिकोण से सही या गलत रास्ते चुनने के बजाय अपनी रुचि का काम करने को लेकर ज्यादा उत्साहित रहता है। इस दौरान जातकों के स्वभाव में अहंकार की भावना में वृद्धि होने की आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का वक्री अवस्था से बाहर आना बृहस्पति की सकारात्मकता में वृद्धि करता है। हालांकि बृहस्पति के नीच होने से इसके प्रभावों में कमी आती है। अगर बात करें गोचर के इस समयावधि की, मार्गी की समयावधि की, तो बृहस्पति 18 अक्टूबर को सुबह 11:39 पर मकर राशि में मार्गी होगा और 20 नवंबर यानी कि कुंभ राशि में जाने तक इसी स्थिति में रहेगा। ऐसे में सभी 12 राशि के जातकों पर मार्गी बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर कुछ नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपकी राशि पर, तो उसके लिए आपको क्या ज्योतिष उपाय करने हैं। बहुत ही आसान उपाय बताऊंगी मैं आपको, ताकि आप उन उपायों को करके बृहस्पति से अच्छे फल भी पा सकते हैं और उसकी नकारात्मकता को दूर भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपकी जो राशि फल है चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। आगे बढ़ूं उससे पहले बहुत ही खास जानकारी, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह जो है आपको जिसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं हो रहा है, बार बार अच्छी चीजें करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं एस्ट्रोसेज वार्ता के थ्रू। एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी समय कॉल कर सकते हैं आप हमें और हमसे बात कर सकते हैं, और आपके सवालों का आपको मिलेगा एकदम सटीक और आसान सा उपाय जवाब के साथ। और बाकी अगर कोई ऐसे जेनरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिले, तो वो सवाल आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने। मैं हर शाम 5 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो। मैं आपके उस वीडियो में आपके सवालों को शामिल करके जवाब दूंगी। लेकिन अगर बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं और अपने पर्सनल प्रॉब्लम को लिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपकी निजता का सम्मान करते हुए मैं आपके सवालों को, आपके निजी जीवन के सवालों को शामिल नहीं करती हूँ। और उसके लिए मैं आपको उपाय भी दे रही हूँ कि आप हमसे वार्ता पे जुड़िए। वार्ता पे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और यकीन मानिए उनके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं उसको दूर करने में वार्ता एक बहुत ही उनका जो है मददगार कह सकते हैं साथ है। तो आप जरूर वार्ता पर आइए, हमारे साथ जुड़िए और एक बार चेक करके देखिए कि क्या आपकी परेशानियां दूर होती हैं। तो वार्ता का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब जानते हैं कि सबसे पहले मेष राशि के जातकों पर ये मार्गी बृहस्पति क्या असर डालेगा। मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके 9वें और 12वें भाव का स्वामी है और इस काल के दौरान ये उनके 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में मार्गी होगा। पेशेवर दृष्टिकोण से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों के लिए अवधि औसत रूप से फलदायी रहने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपका विकास धीमी गति से हो सकता है। वहीं जो जातक पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि फ्रेशर्स को अपने लिए उपयुक्त नौकरी खोजने के लिए इस दौरान काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दौरान आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज्यादा रहने की आशंका है, जिसकी वजह से आप पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में आपको यह सलाह दी जाती है कि इस अवधि में
कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें, नहीं तो आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। निजी जीवन के दृष्टिकोण से इस दौरान आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने में असमर्थ रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है। साथ ही आपका भाग्य भी इस अवधि में आपका ज्यादा साथ नहीं देता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इस दौरान आपको आवश्यकता से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। फिर चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में आपको संबंधों को बनाए रखने के लिए हो या फिर पेशेवर जीवन में अपने बॉस से अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए हो। तो उपाय क्या करना है, बहुत ही आसान उपाय है मेष वालों के लिए। प्रतिदिन अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की, यानी टॉरस वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके आठवें और ग्यारहवें भाव का स्वामी है और इस काल के दौरान यह उनके नौवें भाव यानी कि पिता, यात्रा और भाग्य के भाव में मार्गी होगा। इस दौरान आपके पिता को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की आशंका है, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। इस अवधि में आप किसी काम के सिलसिले में जो है कुछ यात्राएं भी कर सकते हैं जो आपके लिए ज्यादा फलदायी नहीं रह सकती हैं। ऐसे में आपको सलाह यही दूंगी कि इन यात्राओं के दौरान सावधान रहें, क्योंकि आशंका है कि आपको आभूषण या आपका कोई कीमती वस्तु जो है वो खो सकता है। इस अवधि में आपके अंदर नास्तिक दृष्टिकोण पनप सकता है, जिसकी वजह से आप धार्मिक स्थलों पर जाने से कतरा सकते हैं। साथ ही आपका आत्मविश्वास भी इस दौरान डगमगा सकता है, जो कि आपके अंदर कई नकारात्मक विचारों को जन्म दे सकता है। आशंका है कि आपकी कड़ी मेहनत और प्रयास के बावजूद आपको इस अवधि में जो है उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। हालांकि आपके जीवन में स्थिरता बनी रह सकती है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आपका अपने वरिष्ठों से किसी बात पर विवाद या बहस हो सकता है, जिससे आपके बॉस की नजरों में आपकी छवि जो है वो नकारात्मक बन सकती है। सलाह मैं आपको यही दूंगी, अपने क्लाइंट से डीलिंग करते समय विनम्र रहें और अपने मैनेजमेंट से किसी भी प्रकार की उग्र बातचीत करने से बचें। उपाय क्या करना है, गुरुवार के दिन बच्चों को पीले रंग के वस्त्र दान करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके सातवें और दसवें भाव का स्वामी है और इस काल के दौरान ये उनके आठवें भाव यानी कि व्यवहार में कठोरता, हानि और रहस्य के भाव में मार्गी होगा। व्यवसायिक रूप से देखा जाए तो यह अवधि आपके लिए औसत रूप से फलदायी सिद्ध हो सकती है। व्यवसायिक रूप से आपको ज्यादा सावधान रहने की मैं सलाह दूंगी, नहीं तो आप किसी गलत डीलिंग या सौदे में फंस सकते हैं। मार्केट में आपके उत्पाद और सेवाओं की मांग में गिरावट आ सकती है, इसलिए आपको ये सलाह दूंगी मैं कि अपने मौजूदा ग्राहकों से संबंध बनाकर रखें और उन्हें उत्पाद खरीदने के लिए मनाने की हर संभव कोशिश करें। आपको अपनी मार्केटिंग रणनीतियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस दौरान किसी भी छोटी अवधि की पॉलिसीज में निवेश करना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस दौरान मिथुन राशि के जातक अपनी आमदनी और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम रह सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो इस दौरान आप अपने जीवन साथी के प्रति अधिक विनम्र और समर्पित नजर आ सकते हैं। संभावना है कि आप इस अवधि में उनका पूरा ख्याल रखेंगे और उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को समझने और उन्हें पूरा करने का प्रयास करते नजर आएंगे। लेकिन आप अपने आसपास के लोगों को लेकर असंतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि वे आपको ज्यादा समझदार और सहयोगी नहीं लग सकते हैं। क्या उपाय करना है, भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके छठे और नवे भाव का स्वामी और इस काल के दौरान यह उनके सातवें भाव यानी कि व्यवसाय, विवाह और साझेदारी के भाव में मार्गी होगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान आपका अपनी टीम के सदस्यों और सहकर्मियों से किसी बात पर विवाद हो सकता है, जिससे आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। साथ ही आपको कुछ ऐसे खर्चों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसका आपको पहले से कोई अंदाजा नहीं होगा और इसी वजह से आपका बजट भी बिगड़ सकता है। आशंका है कि कार्य क्षेत्र में अत्यधिक कार्यभार होने के कारण आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि के वो जातक जो खुद के व्यवसाय में हैं, उन्हें इस दौरान अपने व्यवसाय के विस्तार और विकास के लिए कोई भी नया बदलाव न करने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि आपको उससे अनुकूल परिणाम न मिलने की आशंका है। वहीं जो जातक वैवाहिक हैं यानी मैरिड हैं, उनका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात पर बार बार झगड़ा हो सकता है और आप दोनों के बीच आपसी समझ में भारी कमी देखी जा सकती है। इस दौरान आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा यदि आप लीवर से जुड़ी किसी समस्या या जो है डायबिटीज से ग्रसित हैं, तो आपको ये सलाह दूंगी कि अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, नियमित जांच कराएं, नहीं तो यह आगे चलकर समस्या गंभीर हो सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। है ना आसान उपाय, तो जरूर कीजिएगा इसे। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके पांचवें और आठवें भाव का स्वामी है और इस काल के दौरान ये उनके छठे भाव यानी कि शत्रु, ऋण और रोग के भाव में मार्गी होगा।
पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान आप अपने पेशेवर जीवन में कुछ विकास देख सकते हैं, आप अपने कौशल को साबित करने और अच्छा खासा प्रोत्साहन हासिल करने में सफल रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कामकाज का माहौल अस्त व्यस्त रहने की आशंका है, लेकिन यदि आप अपने काम पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो आपके लिए चीजें बेहतर होती दिखाई देंगी। वहीं जो जातक कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस कार्य के लिए कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो व्यवसायी जातकों को इस दौरान अपने व्यवसाय के विस्तार और विकास के लिए मार्केट से कर्ज लेना पड़ सकता है। सिंह राशि के जो जातक प्रेम संबंध में है उनके लिए यह समय अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान आपका रिश्ता बेहतर रह सकता है और आप अपने साथी के साथ अच्छी समझ बनाने में सक्षम भी रह सकते हैं। यदि आप अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो आपको नवंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है, जब तक कि बृहस्पति अगली राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश न कर जाए। उपाय के तौर पर अपने माथे पर केसर चंदन का तिलक लगाएं। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके चौथे भाव और सातवें भाव का स्वामी है और इस काल के दौरान ये उनके पांचवें भाव यानी कि संतान प्रेम और रोमांस के भाव में मार्गी होगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो आपको नई परियोजनाओं और कुछ नया काम शुरू करने के से जो है उत्तम लाभ प्राप्त होने की संभावना है। जो जातक नौकरी पेशा है उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में कुछ संघर्षों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयासों को नजरअंदाज किया जा सकता है। हालांकि आपके रिश्ते और आपके अपने सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण बने रहने की संभावना है। शिक्षा के दृष्टिकोण से छात्रों के लिए अवधि औसत रूप से फलदायी रह सकती है। छात्रों को अपने विषयों को समझने और उन्हें याद रखने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनकी परीक्षा के परिणामों पर पड़ सकता है। ऐसे में मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप अपने आलस्य को त्याग दें और ध्यान केंद्रित कर अपनी पढ़ाई करें। कन्या राशि के जो जातक प्रेम संबंध में है उन्हें इस दौरान अपने साथी के साथ संबंधों में कुछ विवादों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप दोनों ही इस दौरान समझदारी का परिचय देने और स्थिति को नियंत्रित करने में जो है असक्षम रह सकते हैं। आशंका है कि इसकी वजह से आपके बीच विवाद बढ़ सकता है और स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन भगवान नारायण की पूजा करें और उन्हें पीले फूल चढ़ाएं। अब बारी तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके तीसरे और छठे भाव का स्वामी है और इस काल के दौरान ये उनके चौथे भाव यानी कि सुख आराम और माता के भाव में मार्गी होगा। तुला राशि के वो जातक जो व्यवसायी हैं उनके लिए अवधि अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकती है। इसके अलावा वे जातक जो खाद्य उद्योग या फिर बिजली से चलने वाले यंत्र का उत्पादन करते हैं उनके लिए भी अवधि अनुकूल रह सकती है, क्योंकि इस दौरान बाजार में ऐसे उत्पादों की मांग में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपको ये सलाह दूंगी मैं कि इस दौरान आप सट्टा बाजारों जैसे कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट आदि में निवेश करने से बचें, क्योंकि इसमें आपको नुकसान होने की आशंका अधिक है। जो जातक वकील बनने या न्यायाधीश बनने के लिए अभ्यासरत हैं यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं वे इस दौरान अपने करियर में वृद्धि देख सकते हैं। वहीं पढ़ाई कर रहे तुला राशि के छात्रों को दबाव महसूस हो सकता है, क्योंकि इस अवधि में उनके पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत अंत में उनके लिए सकारात्मक फल लेकर आ सकती है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस दौरान आप कोई नया जो है निर्माण कार्य या फिर अपने घर का नवीनीकरण करने के लिए धन खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी पुरानी संपत्ति में भी निवेश कर सकते हैं। आशंका है कि इस अवधि में आप अपने घर पर अशांति व असहज महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपके घर के सदस्य आप पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं या फिर रोक टोक कर सकते हैं। उपाय के तौर पर जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी और यूनिफॉर्म दान करें। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके दूसरे भाव और पांचवें भाव का स्वामी है और इस काल के दौरान ये उनकी तीसरे भाव यानी कि संवाद यात्रा बल और भाई बहन के भाव में मार्गी होगा। पेशेवर जीवन के रूप में देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में धीमी गति से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपको अपनी वर्क प्रोफाइल की वजह से किसी भी प्रकार के स्थानांतरण या प्रवास के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं वो जो जातक नई नौकरी की तलाश में है या फिर अपनी नौकरी में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं उन्हें भी इस कार्य के लिए नवंबर माह तक इंतजार करना पड़ सकता है, जब तक कि बृहस्पति अगली राशि यानी कि कुंभ राशि में मार्गी नहीं हो जाता। व्यक्तिगत रूप से इस दौरान आप अधिक ऊर्जावान रह सकते हैं, लेकिन आपके उत्साह और जोश में कमी आ सकती है, जिसके कारण आपको अपने प्रयासों के बावजूद सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके संबंध अपने भाई बहनों के साथ औसत रूप से बेहतर रह सकते हैं, लेकिन आपके बीच प्रेम व स्नेह की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा इस दौरान आपके और आपके दोस्तों के बीच कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है, जो कि आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। वहीं आपको अपने पिता से व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कुछ सहयोग प्राप्त हो सकता है। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन व्रत रखें और व्रत के दिन एक बार बेसन की मिठाई का सेवन जरूर करें। अब बारी धनु राशि के जातकों की।
धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके पहले भाव और चौथे भाव का स्वामी है और इस काल के दौरान यह उनके दूसरे भाव यानी कि परिवार, वाणी और संवाद के भाव में मार्गी होगा। व्यक्तिगत जीवन में आप अपने आसपास की परिस्थितियों में सुधार होता देख सकते हैं। इस दौरान आप अपनी अतीत की सभी समस्याओं का हल पाने में सक्षम रह सकते हैं और मानसिक रूप से खुद को तनाव मुक्त महसूस कर सकते हैं। इस दौरान आपकी संवाद करने की शैली में भी निखार आने की संभावना अधिक है। धनुराशि के विवाहित जातकों को इस अवधि में परिवार के दबाव के कारण अपने संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दूंगी कि अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा वक्त बिताएं और सभी मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें, नहीं तो आपको अपने रिश्ते में कुछ बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को कुछ अच्छे प्रस्ताव पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह अवधि उन जातकों के लिए बेहतर साबित हो सकती है जो पहले से कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें इस दौरान अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सही उपचार मिलने की संभावना है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके तीसरे और बारहवें भाव का स्वामी है और इस काल के दौरान यह अपनी स्वराशि में मार्गी होगा। इस दौरान मकर राशि के जातक अधिक व्यवहारिक रह सकते हैं और किसी भी काम को करने से पहले उस पर दो बार विचार करते नजर आ सकते हैं। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपको अपने लव पार्टनर के साथ संबंधों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अपने घर के सदस्यों के साथ भी संबंधों में कुछ रूखेपन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको यह सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप शांति का परिचय दें, क्योंकि कुछ समय में आपको अपने आसपास की परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई दे सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको ये सलाह दूंगी मैं कि आप इस दौरान किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचें, क्योंकि इससे आपको नुकसान होने की आशंका है। साथ ही आपको ये भी सलाह दूंगी कि किसी को भी पैसे उधार के तौर पर ना दें और अपनी बहुमूल्य वस्तुओं का ख्याल रखें, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आप किसी चोर या बड़े नुकसान का शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको ये सलाह दूंगी कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य नाजुक रह सकता है। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन गरीब बच्चों या बुजुर्गों को केले का दान करें। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके दूसरे भाव और ग्यारहवें भाव का स्वामी है और इस काल के दौरान ये उनके बारहवें भाव यानी कि व्यय, हानि और आध्यात्मिकता के भाव में मार्गी होगा। इस दौरान आप किसी संपत्ति की खरीद व बिक्री कर सकते हैं, क्योंकि आप इस अवधि में अच्छी डील यानी कि सौदा करने में सफल रह सकते हैं। साथ ही आप इस अवधि में लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं का हल पाने में भी सफल रह सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर रह सकता है और आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए योग और ध्यान जैसे अभ्यासों को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपके अंदर आध्यात्मिक झुकाव की वजह से किसी गुरु को पाने की इच्छा प्रबल हो सकती है, लेकिन आप इस कार्य में असफल रह सकते हैं। पेशेवर जीवन के रूप से देखा जाए तो यह अवधि उन जातकों के लिए बेहतर साबित हो सकती है जो विदेशी बाजारों या विदेश के ग्राहकों से डीलिंग का काम करते हैं। इस दौरान आप कुछ बहुत अच्छे सौदे करने में सक्षम रह सकते हैं। वहीं जो जातक बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि MNCs में काम कर रहे हैं, वे इस दौरान अपने करियर में वृद्धि देख सकते हैं, क्योंकि आपके उत्पादों की बिक्री, आपकी सेवाएं और ग्राहकों के प्रति आपके व्यवहार में सुधार आने की संभावना है। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन नारायण मंदिर में पीली दाल दान करें, यानी कि चने की दाल या पीली रंग की जो भी दाल होते हैं उनमें से कुछ भी आप दान कर दीजिए। अब बारी मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति उनके दसवें और पहले भाव का स्वामी है और इस काल के दौरान ये उनके ग्यारहवें भाव यानी कि इच्छा, लाभ और कमाई के भाव में मार्गी होगा। पेशेवर जीवन में इस दौरान आप लक्षित आमदनी को प्राप्त करने में असफल रह सकते हैं। साथ ही आशंका है कि मार्गी बृहस्पति की अवधि के दौरान आपका धन कहीं अटक भी सकता है। इस दौरान जो व्यवसायी जातक अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करने की सलाह दी जाती है जब तक कि बृहस्पति अपनी नीच राशि से बाहर न निकल जाए। इस दौरान आप अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आशंका है कि आपको इसका संतोषजनक परिणाम नहीं प्राप्त होगा, जो कि आपके लिए चिंता और स्वभाव में चिड़चिड़ेपन का कारण बन सकता है। इस अवधि में आपके संबंध अपने भाई बहनों से सुखद ना रहने की आशंका है, लेकिन आपका झुकाव भावनात्मक रूप से उनकी ओर रहेगा और आप उनकी फिक्र और उनके सहयोग को याद कर सकते हैं। उपाय के तौर पर अपने काम करने वाले हाथ में पीले रंग का इंद्रगुप्त मणि जो है उसका ब्रेसलेट पहने, या फिर आप जो है बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। तो इस वीडियो में हमने जाना 18 अक्टूबर को मार्गी बृहस्पति जा रहे हैं मकर राशि में, तो क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर विस्तार से मैंने बताया और बहुत ही आसान उपाय भी बता दिए हैं। इन उपायों को करने के बाद आपकी परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी, तो इन उपायों को करिए। अगर फिर भी कुछ परेशानी रहती है तो हम आपके लिए हाजिर हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। देश के किसी भी कोने से क्यों ना बात करें, किसी भी भाषा में क्यों ना आप बोलते हो, हर भाषा हर पद्धति के जानकार ज्योतिषी हमारे पैनल पर मौजूद हैं। 24 घंटे में कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, बस आपको जरूरत है उस लिंक पर क्लिक करके हम तक पहुंचने की। तो जो भी आपके निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता के दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और बाकी कोई जेनरिक सवाल है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आने वाली वीडियोस में शामिल करके मैं दूंगी उसका जवाब आपको। लेकिन ये जवाब आपको मिलेंगे हर शाम 5 बजे आने वाले दैनिक राशिफल के वीडियो के माध्यम से, वहां मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ और आपके सवालों का जवाब देती हूँ। तो आप लिख दीजिए जो कोई जेनरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिले। बाकी प्रभु से यही कामना रहेगी कि आप सभी की लाइफ में जो है मार्गी बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट दें और आप सभी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आती है तो हैं आपके लिए हाजिर, कभी भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसीरीज टीवी। नमस्कार। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।